हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एमेजॉन क्लोदिंग हॉल तो इस हॉल में मोस्टली टॉप होने वाले हैं एक शर्ट है और उसके साथ ही एक बॉटम जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेजरली एक टॉप वेयर हॉल होने वाला है तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का हॉल तो हॉल स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देती हूँ एक तो जो कपड़े हैं सबका साइज जो है वो स्मॉल है विच इज एस और दूसरा माई हाइट इज फाइव वन तो आप उस हिसाब से देख सकते कि आपको कपड़ा कितना लंबा आएगा या फिर कितना छोटा आएगा तो ये जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बहुत लोग पूछते हैं तो वही मैं स्टार्टिंग में भी बता देना चाहती हूँ सारे कपड़ों का जो प्राइस है वो स्क्रीन पे मैं डाल दूंगी सारे के सारे जो कपड़े हैं ये 500 के अंदर ही हैं उससे ऊपर किसी की कॉस्ट नहीं है तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर किया है अमेजोन से वो है ये सो दिस इज अ ब्यूटिफुल यू कैन सी रैप अराउंड टाइप टॉप ऑल्डो इसमें रैप नहीं करने का ऑप्शन है ये स्टिच ही है ऐसा बट इसका जो नेक है वो कुछ उसी तरीके का है आप देख सकते हैं इसका नेक वी है बट ये टॉप जो है पहनने के बाद ऐसा लगता है कि ये रैप वाला टॉप है जिसको आप रैप करते हैं बट ये ऐसा नहीं है उसके साथ ही जो इसकी स्लीव्स हैं वो बेल स्लीव्स हैं और इसमें बहुत ही प्यारे फ्लोरल डिज़ाइन दिया हुआ है ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ब्यूटीफुल है उसकी वजह से मैंने इसको ख़रीदा था जब मैंने इस प्रोडक्ट को देखा था तो मुझे देखते ही अच्छा लगा था टॉप द ओनली थिंग विच बॉदर्स मी थोड़ा सा वो इसका नेक है जो थोड़ा सा डीप हो सकता है कुछ लोगों के लिए लेकिन अगर आप बॉडी टेप यूज़ करते हैं या फिर अगर आपको लगता है कि आप इसको एक पिन से जो है वो सेट कर सकते हैं तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वैसे बहुत ज़्यादा डीप नेक नहीं है बट हाँ जो लोग डीप नेक नहीं पहनते हैं फ्रंट से तो उनके लिए शायद टॉप थोड़ा सा डीप हो सकता है अदरवाइज़ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कैसा लग रहा है काफ़ी अच्छा लुक आता है इसे पहनने के बाद और नीचे से फ्लोई है तो ये नीचे से भी आपको कैसे बहुत टाइट नहीं होगा और इसकी फिटिंग भी अच्छी है इसके स्लीव्स बेल है उसकी वजह से ये थोड़ा सा स्प्रिंग समरी टाइप जो है वो फील देता है आप इसको किसी शॉर्ट्स के साथ पहन सकते हैं वाइट शॉर्ट्स के साथ भी अच्छा लगेगा उसके साथ ही आप इसे नॉर्मल जेगिंग्स या जीस के साथ पहन सकते हैं इसकी फिटिंग भी काफी अच्छी है नीचे से फ्लोई है और ऊपर से फिटेड है जिसकी वजह से इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है और मुझे टॉप काफी अच्छा लगा है देन नेक्स्ट टॉप है ये दिस इज अ ब्यूटिफुल लेवेंडर के साथ ब्लैक और वाइट का स्ट्राइप है ये ये एक एल्बो लेंथ तक के स्लीव वाला टॉप है और आगे की तरफ इस पर नॉट दे रखा है इसके पीछे आप देख सकते हैं एक डिटेलिंग है जिस जो थोड़ी सी ऐसी स्ट्रेचेबल है तो ये यहाँ से स्ट्रेचेबल है मटेरियल इसका क्रेप है उस वाले का भी क्रेप था और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटिफुल है ये पहनने के बाद मतलब काफी अच्छा फिट है इसका और बहुत स्मार्ट लगता है ये मतलब आप इसको किसी भी ट्राउजर के साथ भी पहन सकते हैं आप जीन्स के साथ पहन सकते हैं या फिर जेगिंग के साथ भी आप इसे पहन सकते हैं आगे से इसका जो नॉट है पहले ये ऐसे खुला ही रहेगा और उसके बाद आप इसको टाई करेंगे तो यहाँ पे मैंने इसको टाई किया हुआ है और उसके साथ ही आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये टॉप तो मुझे ये टॉप भी काफ़ी अच्छा लगा है थर्ड टॉप जो मैंने ऑर्डर किया है वो काफ़ी ट्रेंडिंग है अभी मतलब ट्रेंडिंग के डिजाइन काफ़ी चल रहे हैं वो है ये तो एज यू कैन सी कि ये एक ग्रीन कलर का टॉप है और इसकी जो स्लीव्स हैं वो थोड़ी सी पफ्ड स्लीव्स हैं इसमें दो तरीके के टॉप आते हैं एक आते हैं जो ज्यादा पफ्ड होते हैं और ज्यादा उसमें वॉल्यूम होता।, होता है एक होता है कम वॉल्यूम होता है जिनमें पफ स्लीव्स में तो ये कम वाला है क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा बल्कि वाले पफ स्लीव्स इतने पसंद नहीं हैं और ये टॉप आप देख सकते हैं जो है बिल्कुल नॉर्मल नेक है इसका और काफी टॉप है ये इसको आप चाहे तो बाहर की तरफ करके भी पहन सकते हैं और पहनने के बाद काफी स्मार्ट लगता है और ये कलर भी काफी अच्छा है एक्चुअली इसको यहाँ पे मैंने ब्लैक जेगिंग्स के साथ जो है वो पेयर किया है आप इसे ट्राउजर के साथ भी पेयर कर सकते हैं इसकी स्लीव्स भी एल्बो लेंथ है कि जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं इसको अंदर टक करके पहनना तो वो भी आप पहन सकते हैं क्योंकि ये टक करके भी काफी स्मार्ट लगता है और ये भी एक्चुअली काफ़ी स्मार्ट टॉप है और ये टॉप मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है तो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस टॉप और अगर आप ट्राई करना चाहते हैं इस टाइप के टॉप को तो प्लीज डेफिनेटली ट्राई कीजिए बिकॉज मुझे पहले लग रहा था कि इसकी क्वालिटी पता नहीं कैसे आएगी लेकिन इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको मिल जाएंगे काफी सारी चॉइसेस हैं सारे प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप वहां से चेक कर सकते हैं एंड आई वुड हाईली रिकमेंड दिस टॉप तो ये तो थे तीन टॉप जो मैंने वहाँ से ऑर्डर किए थे तो उसके बाद मैंने एक ट्राउज़र भी वहाँ से ऑर्डर किया था जो एक फ्लेर ट्राउज़र था बहुत ज़्यादा फ्लेयर नहीं है उसमें वो ये ट्राउज़र है तो आप देख सकते हैं इसकी स्ट्रेट लेंथ है उसके बाद ये नीचे से थोड़ा सा फ्लैरी हो जाता है बहुत ज़्यादा फ्लेरी नहीं है तो अगर आपको ज़्यादा फ्लेरी पसंद है तो आई थिंक ये उस टाइप का नहीं है लेकिन अगर आपको थोड़ा कम फ्लेरी पसंद है जैसे मेरी हाइट के हिसाब से ये फ्लेयर बिल्कुल सही है ज मेरी हाइट उतनी ज्यादा नहीं है लेकिन टॉल पीपल ज्यादा फ्लेयर वाला यूज कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बताया कि आप देख सकते हैं कि अगर आपके हाइट में से ज्यादा है तो ये आपको कितना आएगा काफी अच्छा है ये भी स्मार्ट सा है वेस्ट जो है वो नॉर्मल है ये साइज थर्टी में है आगे की तरफ ये इस टाइप का स्ट्राइप दे रखी है बीच में लगता है कि जैसे आयरन किया है लेकिन वो वहां से उन्होंने स्टिचिंग कर रखी है तो उस टाइप का डिजाइन है इसमें और ये ट्राउजर एक्चुअली में काफ़ी स्मार्ट लग रहा था मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी कि पता नहीं कैसा आएगा या कैसा लगेगा बट ऐसा नहीं है मुझे अच्छा लगा है सो आई वुड रिकमेंड दिस वन एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दिस टाइप ऑफ़ ट्राउजर जो थोड़े से फ्लेयर वाले हैं तो आई थिंक आपको ये इस टाइप के ट्राउजर ज़रूर ट्राई करने चाहिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी थे इसमें एक आई थिंक मरून शेड था और एक ग्रीन शेड था तो वो वाला शेड भी काफ़ी अच्छा था तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं उसके बाद जो लास्ट प्रोडक्ट मैंने अमेजोन से मंगाया है वो है ये शर्ट दिस इज़ अ ब्यूटिफुल लेपड प्रिंट शर्ट इन ब्लैक एंड ग्रे और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये एक्चुअली मुझे लेपर्ड प्रिंट्स इतने पसंद नहीं है ब्राउन में लेकिन जब मैंने इस शर्ट को देखा तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि इसको ट्राई करना बनता है इसका स्टफ जो है वो आई थिंक मिक्स जॉर्जर टाइप है और इसके साथ आपको कुछ अंदर से स्पेक्टिव वगैरह पहननी पड़ेगी बिकॉज़ ये थोड़ी सी ट्रांजी है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है ये स्क्रीन पर पहनने के बाद और मैंने उसी वाले ट्राउज़र जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था उसके साथ ही इसको पेयर किया है तो इसके साथ काफ़ी अच्छी लग थी और मैंने भी स्पेगडीज के साथ जो है वो द ब्लू कलर की वेयर की है आप ब्लैक ब्लू कोई भी कलर्स में वेयर कर सकते हैं जो आपको जिसमें आप कंफर्टेबल हो और इसमें जो आगे बटन्स हैं वो भी आप देख सकते हैं थोड़े से गोल्डन टाइप के बटन हैं गोल्डन के साथ जो ब्लैक का कॉम्बिनेशन है मुझे काफी अच्छी लगी शर्ट बिकॉज जैसे मैंने बोला कि मुझे लेपर प्रिंट का पसंद नहीं है तो मैं थोड़ा तो सा कन्फ्यूज थी लेकिन जब मैंने इसे पहना और देन आई रियलाइज कि हाँ ये काफ़ी अच्छी लग रही है काफ़ी स्मार्ट लग रही है तो आप इसको ऑफिस वगैरह में भी वेयर करके जा सकते हैं हाई वेस्ट वाले जो ट्राउजर्स होते हैं उनके साथ भी आप इसके पहन के जा सकते हैं काफी स्मार्ट लगे तो मेरी तरफ से दिस इज ऑल्सो वेरी हाईली रिकमेंडेड सो so गाइज़ ये था आज का हॉल अगर आपको ये हॉल अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे अपने घर में और कोरोना से हम सब लोग लड़ रहे हैं तो आप लोग को पता है कि आप लोग को अपने घर में रहना है जितना हो सके सिर्फ जरूरत के लिए ही हमें बाहर जाना है अदरवाइज आई थिंक हम लोग को इस टाइम पे अपने घर पे ही रहने की जरूरत है अदरवाइज हम इससे लड़ नहीं पाएंगे उसके साथ ही हमें जो प्रिकॉशन लेने हैं मास्क पहनना है सैनिटाइजेशन ये सब चीज़ों का काफी ध्यान रखना है और आई होप आपके घर में और आपकी फैमिली सब जो है उस रख क्षित हूं तो वैसे मिलती हूं फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय